नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। चुपचाप यहाँ गाड़ दे एक की, मनचाही गाड़ी, बंगला, पैसा सब होगा आपके पास। जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने हूँ आपके लिए आप ही के चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ कील से जुड़े कुछ खास और बिल्कुल आसान उपाय बताऊंगा। चुपचाप यहाँ गाड़ दे एक की, मनचाही गाड़ी, बंगला, पैसा सब होगा आपके पास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कील से जुड़े हुए और घोड़े की नाल से जुड़े हुए बहुत ही खास और आसान उपायों के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें कील की या घोड़े की नाल की, तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि ये शनि देव से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों आप सभी ये भी जानते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहिए तो शनि देव के प्रसन्न होना कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए फिर हम बात करते हैं, शनि देव को अगर प्रसन्न किया जाए तो आपके साथ क्या कुछ हो सकता है और आपके जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। दोस्तों अगर शनि देव प्रसन्न हो जाए तो जीवन में एक नई तरंग का आभास होता है। अधिकतर लोग शनि देव को बुरा मानते हैं क्योंकि शनि देव की कुदृष्टि से कार्य में बाधाएं आती हैं। इसीलिए दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे शनि देव को प्रसन्न किया जाए और आपके जीवन में एक नई तरंग, नई उमंग और ऐश्वर्य की प्राप्ति की जाए, कैसे शनि देव की कृपा पाई जा सकती है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर शनि देव प्रसन्न हो जाए तो एक नॉर्मल इंसान की हर इच्छा, हर मनोकामना कैसे पूर्ण कर देते हैं और हर प्रकार की उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वह व्यक्ति जो चाहता है वह उसे वही दे देते हैं। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक हमारी इस वीडियो में हमारे साथ, ताकि हम आपको पूरी जानकारी दे सके और आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो को शुरू करते हुए पहले हम जानते हैं पहले उपाय के बारे में जो आपको शनि देव के लिए करना चाहिए। दोस्तों शनि देव के लिए वैसे तो बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जो बहुत ही आसान और अचूक होते हैं, लेकिन सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताऊंगा वह बहुत ही आसान है। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, उसके लिए आपको क्या करना है वह हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एक कटोरी लेनी है और उस कटोरी लेने के बाद इस कटोरी में आपको तिल का तेल भर देना है। उसके बाद आपको इसमें अपना चेहरा देखना है। इसके बाद आपको यह किसी जरूरतमंद को दान दे देना है। साथ ही आपको काले कपड़े में काले उड़द, 1.25 किलो अनाज और 2 लड्डू, काला कोयला भी और लोहे की एक कील इसमें रख देनी है। इसमें आपको कुछ दान भी रख देना है जिसे आप दक्षिणा कहते हैं, कुछ दान दक्षिणा भी आपको इसमें रख देनी है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इस उपाय को करने से शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों अगर बात करें अगले उपाय के बारे में, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि शनि देव के साथ साथ मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको सुनना होगा हमारा दूसरा उपाय। दोस्तों हमारी पूरी वीडियो को जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय शनि देव या जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों दूसरे उपाय में, जिसमें आपको शनि देव की कृपा के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा भी मिल जाए, इसके लिए आपको 1.25 किलो चने की दाल लेनी है। इसके बाद आपको किसी भी शनि देव के मंदिर में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे इसे दान कर देना है। दोस्तों इसके साथ ही अब हम जान लेते हैं कील से जुड़ा एक और उपाय जो कि बहुत ही खास है और बहुत ही जल्दी सभी की मनोकामनाएं पूरी करता है, बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाता है। दोस्तों कील से जुड़ा हुआ एक और आसान और खास उपाय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप जरूर सुने और अपने जीवन में उसे अपना कर देखे। आप खुद ही कहेंगे कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको एक कील लेनी है, साथ ही कील लेने के बाद आपको उसे अपने घर में रखना है और इसे किसी भी शनि मंदिर में या फिर किसी भी पीपल के पेड़ के पास इसे दान देना है। लेकिन दान किस प्रकार देना है यह भी जान लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आपको इसे अपने घर में किसी भी उत्तर पूर्वी कोने में रखना है, यानी कि ईशान कोण में रखना है। ईशान कोण में एक रात पूरी रखने के बाद आप इसको अपने आसपास किसी भी शनि मंदिर में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे दान कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह उपाय करने के लिए इस कील को शुक्रवार की दिन ही आपको लेकर के आना होगा, ताकि आप शनिवार के दिन ये उपाय कर पाए। शनिवार के दिन आप सुबह ही ईशान कोण में इसे रख दे, लेकिन किसी भी साफ सुथरी जगह पर रखे जहाँ पर आसानी से किसी की भी नजर ना पड़े। आप इसे वहाँ रखे और इसे कोई बच्चा आदि भी ना छू सके। इस प्रकार से आप इसे किसी ऊंचाई
साइड पर रखें। इसे रख देने के बाद आपको अगले दिन यानी कि इतवार के दिन, रविवार के दिन आपको इसे किसी भी शनि देव के मंदिर में या फिर आपको किसी भी बड़े पीपल के पेड़ के नीचे उसकी जड़ में इसे दान कर देना है। दान करते वक्त आपको अपनी मनोकामना शनि देव के मंदिर में है तो शनि देव से, और अगर पीपल के पेड़ के नीचे दान कर रहे हैं तो पीपल के पेड़ से कहनी है, जिससे शनि देव आपको जल्दी ही आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। दोस्तों इसके साथ ही हम जान लेते हैं लोहे की कील से जुड़ा हुआ बहुत ही आसान और खास एक और उपाय, जिसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए काले घोड़े की नाल। अगर काले घोड़े की नाल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो नाव नॉर्मल चलती है आप उसकी पुरानी कील को लेकर के आते हैं तो वह भी चलेगा, जिसमें हम यात्रा भी करते हैं। उस नाव की कील अगर आपको मिल जाए, इसमें से दोनों में से कोई भी चीज अगर आपको मिल जाती है, काले घोड़े की नाल या फिर पुरानी नाव की जंग लगी हुई कील, तो इनमें से आप कुछ भी एक चीज आप ले लें। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लोहे की एक अंगूठी बनवा लेनी है, काले घोड़े की नाल से या फिर उस कील से एक लोहे की अंगूठी बनवा लेनी है, या फिर आप छल्ला भी बनवा सकते हैं, और इसको आपको अपनी मध्यम उंगली में पहनना है। इस उपाय को करने से आप पर शनि के जितने भी कुप्रभाव पड़ रहे हैं वे सब दूर हो जाएंगे और साथ ही आपको हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहें तो सरसों के तेल को हाथ और पैरों के नाखूनों पर लगाएं, से भी आपके जीवन में आ रही शनि संबंधी हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों अगर आपको शनि देव की कृपा बहुत ही जल्दी चाहिए और अपने ऊपर आ रहे शनि देव के जो भी कुप्रभाव है या कुदृष्टि है उनको बहुत ही जल्दी उतारना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं अगला उपाय। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या फिर जय शनि देव अवश्य लिखें। दोस्तों अगले उपाय को करने के लिए, जिससे आपको शनि देव की कृपा बहुत ही जल्दी मिल जाएगी और कुदृष्टि जो उनकी आपके ऊपर है, शनि की साढ़े साथी है, ढैया है, ये बहुत ही जल्दी उतर जाएगा। दोस्तों इसके लिए आपको चींटियों को शनिवार के दिन काले तिल या फिर आपके घर का जो आटा है इसको खिलाना है, लेकिन इसके खिलाने के लिए आप जहाँ भी चींटियाँ हो उसके आसपास एक आटे से या फिर काले तिल एक सर्कल बना दें और फिर इन्हें खिलाएं, और अगर आप कर सके तो बहुत ही अच्छा है कि आप काले तिल, आटा और शक्कर, ये तीन चीज लें। शक्कर ना हो तो आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को लें बराबर मात्रा में और इन्हें मिला लें, और जहाँ कहीं भी आपको किसी भी पेड़ के नीचे चींटी दिखाई दे वहाँ पर आप इन्हें शनिवार के दिन डालें और उस चींटियों को खिला दें। दोस्तों ऐसा उपाय अगर आप करते हैं तो इससे आपके शनिदेव की कुदृष्टि बहुत ही जल्दी उतर जाती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपके घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही साथ आपके घर में धन, सौभाग्य आदि सब कुछ खूब बढ़ता है। सामान्य तौर पर सभी लोगों और इंसानों के जीवन में सुख समृद्धि से जीवन पूरा भरा ही रहता है। जो भी उपाय दोस्तों हम करते हैं वे अलग अलग इंसानों पर अलग अलग प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे उनके वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी प्रभावित हो जाता है और उनका भविष्य भी सुधर जाता है। वैसे तो सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपको ज्यादातर जिस ग्रह का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है वह शनि है। अगर आपके ऊपर शनि ग्रह का प्रभाव ज्यादा पड़े तो आपको इससे आपको कुदृष्टि मिल सकती है या फिर सुदृष्टि मिल सकती है। अगर अच्छी दृष्टि अगर शनिदेव की आपके ऊपर है तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन अगर कुदृष्टि है तो आपको कंगाल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए दोस्तों उनकी कुदृष्टि को दूर करने के लिए और उनकी कुदृष्टि को सुदृष्टि में बदलने के लिए ये उपाय आपको बताए गए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि शनि देव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। वे व्यक्ति के उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं, लेकिन कई बार शनि की दृष्टि से व्यक्ति के जीवन काफी कष्टमय बन जाता है। यही वजह है कि सभी लोगों को शनि देव की साढ़े साथी और ढैया का डर सताता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस उपाय के बारे में जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा को पाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, कई उपाय वर्णित किए गए हैं। इन सभी उपायों से सबसे असरदार घोड़े की नाल की अंगूठी को मध्यमा उंगली में धारण करना बताया गया है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको काले घोड़े की नाल की अंगूठी मिल जाए तो उसकी आपको अंगूठी बनवा लेनी है। अगर आपको पहले से अंगूठी मिल जाती है तो अच्छी बात है, वरना काले घोड़े की नाल लेकर आएं और उसकी अंगूठी बनवाएं। काले घोड़े की नाल भी अगर आपको मिल जाती है तो उसकी अंगूठी अगर आप बनवा लेते हैं तो ये नॉर्मल आपको हर अपनी मध्यमा उंगली में धारण कर लेनी है। इससे आपको शनि देव की कृपा प्राप्त होनी शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि इस नाल से अंगूठी या फिर छल्ला बनवाकर सीधे हाथ की मध्यमा यानी कि मिडल फिंगर में धारण करना चाहिए। इससे बुरा असर दूर हो जाता है और यह अंगूठी धारण करने से पहले किसी भी बड़े ज्योतिष से एक बार परामर्श जरूर करें, क्योंकि इसको अगर आप अनावश्यक तरीके से यानी कि गलत तरीके से पहन लेते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। काले घोड़े की नाल से एक कील या छल्ला बनाएं। इसके बाद शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक लोहे की कटोरी में सरसों के तेल से भरे हुए इस कटोरी को उसमें कुछ काले तेल या शक्कर डाल दें। इसके बाद इस तेल में अपना चेहरा देखें और इस कटोरी को पीपल के पास रख दें। इसके बाद
आप घर लौट आए। इस महा उपाय को शनि देव की कृपा को ऊपर से उतारने के लिए किया जाता है। काले घोड़े की नाल को काले कपड़े में लपेटकर अगर आप अपने घर के नींव में रखते हैं तो इससे आपके घर में अनाज कभी भी कमी नहीं पड़ती और बरकत बनी रहती है और कभी भी किसी भी कुदृष्टि का यानी नकारात्मक एनर्जी का कोई प्रभाव नहीं होता। भूत प्रेत ऊपरी बाधा आदि आपके घर में प्रवेश भी नहीं कर सकती है। दोस्तों वैसे तो हम सब जानते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, लेकिन किसी तरीके से आपको पीपल के पेड़ की पूजा किस तरीके से आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामनाएं तो पूरी हो ही जाए, साथ ही साथ आपके धन संबंधी हर प्रकार की परेशानी भी दूर हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए तिल या सरसों का तेल। इसके बाद आपको एक दीपक में इसे आप डाल लेना है। दीपक में डालने के बाद आपको अपने घर के आसपास किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है, उसके बाद ही दीपक को जलाकर पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है उसको आपको पीपल के पेड़ को बता देना है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन के हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों जब भी आपको शनि से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही हर प्रकार की परेशानी जो आपको शनि से चल रही थी वह दूर हो जाती है। दोस्तों अगर आपके आसपास कहीं बहता हुआ पानी है या बहता हुआ जल हो तो उसमें आपको एक नारियल प्रभावित करना है यानी कि विसर्जित करना है। इससे आपको जीवन में कितनी प्रकार की परेशानी हो वह दूर हो जाती है। लेकिन इसको प्रभावित करने से पहले आप इसे लाल कपड़े में या फिर काले कपड़े में लपेटकर 7 बार अपने सिर पर से उतार लें और उसके बाद बहते हुए जल में प्रभावित करें। इससे आपके जितने ऊपर भी आपके ऊपर से परेशानियां चली जाएंगी। हो सके तो इसे घर का कोई मुखिया करे, अन्यथा घर की महिलाएं या बच्चे भी कर सकते हैं। अगर आप शनि संबंधी परेशानी से पीड़ित हैं या फिर आप उनका सामना कर रहे हैं या शनि की परेशानी दूर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बंदरों को काले चने खिलाने चाहिए या गुड़ खिलाना चाहिए या केला खिलाना चाहिए। दोस्तों आप कोई भी चीज अगर बंदर को खिलाते हैं तो इससे आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों शनिदेव के लिए एक सरसों के तेल का छाया पात्र दान करें, इससे भी आपके जीवन में हर प्रकार के परेशानी दूर हो जाएगी। और लास्ट में जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ वह बहुत ही आसान और कारगर है और बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाता है। तो दोस्तों इस उपाय को सुनने से पहले आप एक बार कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या फिर जय शनिदेव अवश्य लिखें। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर में कुछ खास चीजों का उपाय करना होगा जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए 10 बादाम। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 10 बादाम आपको लेने हैं। इसके बाद आपको इसमें से 5 बादाम एक तरफ रखने हैं और 5 बादाम दूसरी तरफ रखने हैं। इसके बाद इन बादाम को लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाने के बाद वहाँ पर जो आपको पहले 5 बादाम अलग रखे थे उन बादाम को वहाँ पर यानी कि हनुमान जी के मंदिर में रख कर आ जाए। जो बाकी के 5 बचे हुए हैं उन्हें घर लेकर आ जाए और घर लेकर आ जाने के बाद आपको चाहिए कि एक लाल कपड़ा ले ले। इसके बाद उन 5 बादाम को उसमें बांध दे और उसको वहाँ पर रखना है जहाँ पर किसी का भी आसानी से ध्यान ना जाए और आप उसका अच्छी तरह से ध्यान रख पाए, उस जगह पर इसको ढक करके रख दे। दोस्तों इस उपाय को करने से हनुमान जी और शनिदेव दोनों की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में भाग्य, धन, सुख, समृद्धि हर प्रकार से परिपूर्ण हो जाता है आपका घर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए उपाय के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत, धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में लिखते रहे जय बजरंगबली।